ट्रक पलटने से घंटों जाम रहा नेशनल हाईवे गगहा। गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर सुबह को गगहा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर भलवान कस्बे के निकट नमक की बोरी से लदा ट्रक पलटने से लगभग 5 घंटे भीषण जाम लगा रहा। गलीमत रही कि उस समय ट्रक के बगल से कोई वाहन नहीं गुजरा, नहीं तो ट्रक की चपेट में आने से बड़ी क्षति हो सकती थी। ट्रक पलटने से सुबह से दोपहर तक आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। बड़ी संख्या में छोटे बड़े वाहन जाम में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को क्रेन की मदद से मार्ग के किनारे कर बाधित यातायात शुरू कराया गया। असलहा लहराते युवक की फोटो हुई वायरल, कार्यवाही की मांग। सोशल मीडिया पर एक युवक की असलहा लहराते फोटो वायरल हो रही हैं। युवक गोला थाना क्षेत्र के पटकौली गांव का निवासी बताया जा रहा है। उसमें युवक का नाम हुआ, उस पर असलहा तस्करी का आरोप लगाकर उच्च अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की जा रही है। डीआईजी गोरखपुर को ट्वीट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से शैलेंद्र यादव ने एक युवक का नाम लिखते हुए लिखा कि वह गोला थाना क्षेत्र के पटकौली गांव का रहने वाला है। आरोप लगाया कि वह असलहे की तस्करी करता है। इस संबंध में कोतवाल धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि हमें भी जानकारी हुई है, युवक की तस्दीक की जा रही है। गगहा थाना प्रभारी ने चौकीदारों के साथ की मीटिंग। गगहा गोरखपुर गगहा थाने पर गगहा थाना प्रभारी अमित दुबी ने चौकीदारों के साथ बैठक किया। गगहा थाने में साथ ही साथ चौकीदारों का भी मीटिंग की लिए और उनके समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें बताएं कि आप अपने ड्यूटी के प्रति हमेशा अपना दायित्व तो समझते हुए अपनी ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक करें। ऐसे मौके पर सोहगौरा चौकी इंचार्ज तथा एसआई प्रभात सिंह, एसआई अमित चौधरी, विजय यादव, रमेश प्रसाद, वंश नारायण गांव इत्यादि लोग मौजूद रहे। गोबरौर गजाई कोल तिगरा मार्ग अब भी जलमग्न, राहगीरों को हो रही भारी परेशानी। गोबरौर गजाई कोल तिगरा मार्ग अब भी जलमग्न है, राहगीरों को हो रही भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन मार्गों पर यातायात शुरू तो हो गया है, लेकिन यात्रा करना अभी भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इस मार्ग का निर्माण काफी धीमी गति से होने से लोगों को हो रही असुविधा का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी भी घुटने भर कीचड़ युक्त पानी सड़कों पर है। हालांकि पानी को निकालने में प्रशासन पूरी तरह असफल दिख रही है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 65 वर्षीय वृद्ध वृद्धा पेंशन से वंचित, गगहा गोरखपुर। विकास खंड गगहा के ग्राम सभा अकुसी के बड़ीहारी मोहल्ले का निवासी एक 65 वर्षीय वृद्ध छवि लाल पुत्र बदरी ने बताया कि मैं अब काम करने में सक्षम नहीं हूँ। इस बात को लेकर वृद्धा पेंशन योजना के तहत मैं अपने ग्राम प्रधान से पेंशन के लिए पूर्व प्रधान मंजय कुमार तथा वर्तमान प्रधान चंद्रशेखर से कई बार कहा, लेकिन हम असहाय की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी जानकारी गगहा ब्लॉक के एडीओ पंचायत अशोक सिंह को देने पर उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति गगहा ब्लॉक पर आकर अपनी समस्या बताए, उसकी समस्या का निदान हो जाएगा। क्या नाम है? और क्या नाम है? छविलाल। घर कहाँ है? बड़ीहारी। थाना? गगहा। क्या दिक्कत है? दिक्कत है बाबू, हमको पेंशन ना मिला। पेंशन ना मिला? कितना उम्र हो? 60 65। एकर खाते अपने प्रधान से कहले रहा? कहले रहने ना सुनना, ना सुनो तो फिर कहीं और ना कहला। पात्रों को नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास। गगहा गोरखपुर विकास खंड गगहा के ग्राम सभा अकुसी के पंडित नगमा गांव के निवासी शिवलाल, कौशल्या, ममता, केवली देवी, जौहरी, प्रभावती, शीला, लौजारी, सावित्री, साधना, लालमती, पूनम, सिमृति आदि ने बताया कि हम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। हम लोग गांव प्रधान से तथा सेक्रेटरी से कहकर थक चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं। जबकि सरकार की योजना के तहत नियम बना है कि कोई भी पात्र प्रधानमंत्री आवास से वंचित ना रह जाए, लेकिन इस गांव का नज़ारा कुछ अलग ही है। जबकि लगातार बारिश होने के कारण इन लोगों का झोपड़ी गल चुका है। यह लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है?
चाची आपका का नाम? ममता। का दिक्कत है? केहली देवी है और हम सूची में नाम भी है। प्रधान के कितना घर, प्रधान के कितना लगे गए नहीं, चक्कर काट गए, फिर भी ब्लॉक पे सिक्रेटरी है गए नहीं कि कॉलोनी में हमें मिली कि ना मिली। सिक्रेटरी कहना कि मैं नाम बा सूची में तो कि आज मिली, बयान मिली प्रधान से, कहानी प्रधान कहने एक महीने बाद मिली, 15 दिन देखो, 15 दिन से कहत कहत आज उतर गए ना प्रधान, आज तक कॉलोनी नहीं मिला। हर एक गाँव में कौन सा गाँव है, गाँव क्या क्या नाम है? पंडित ग्राम पंडित का ना गाँव पोस्ट का जिला गोरखपुर। संतोष तिवारी सोशल मीडिया प्रभारी मनोनीत हर्ष समाजवादी पार्टी के शीर्ष निर्देश पर चिल्लूपार विधानसभा अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने गोला तहसील क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी संतोष तिवारी को 328 चिल्लूपार विधानसभा का सपा मीडिया प्रभारी मनोनीत किया है। इनके मनोनयन पर सपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए दी बधाई। श्री तिवारी के मनोनयन पर सपा महिला मोर्चा के विधानसभा अध्यक्ष पूजा यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष रामाशंकर यादव, पूर्व जीपंस घनानंद यादव, राम निवास निषाद, राम प्रसाद शर्मा, हेमंत तिवारी, रविन्द्र तिवारी, इम्तियाज अहमद, सलीम शेख, अखिलेश यादव, राजेश यादव हर्ष व्यक्त करते हुए दी बधाई। कमिश्नरी में कैरोसिन तेल गिराकर आत्मदाह करने जा रही थी महिला, कुशीनगर के डीएम बोले नाजायज है मांग। बास गांव पुलिस ने व्यापारियों को झांसा देकर लूट करने वाले एक अपराधी को पुलिस ने दबोचा। रुद्रपुर में युवक को सर्प ने डसा, झाड़फूंक के चक्कर में चली गई युवक की जान। पिपराइज के एक प्रधानाध्यापिका संगीता भास्कर आईसीटी अवार्ड के लिए हुई चयनित। पति ने ससुराल में पत्नी व स्वयं पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग, दर्दनाक मौत। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना मूल्य 25 रुपए बढ़ाया। संदिग्धाल में लटक तमिल वृद्ध का शव, परिवार में मचा कोहराम। चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर सफाई की उठी मांग, बीजेपी नेता ने दिया ज्ञापन।